दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर VEO के लिए आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था से हम लोग कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था से हम लोग उद्योग के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है कृषि। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। तो भारत की कुल भूमि 52.7% कृषि कार्यों में संलग्न है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो देखिए, भारत की 64% कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो कुल है 14.1%। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था। कितना योगदान था, 55.40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। कितना व्यय किया जाता है, 0.3%। अगला क्वेश्चन देखिए, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है। तो देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान है 12.4%। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है 122 मिली हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। तो प्रथम कृषि गणना की गई थी 1970 ईस्वी। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है। भारत में सीमांत किसानों में 1 हेक्टेयर तक धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं। तो देखिए, भारत की 65% हेक्टेयर उससे छोटी हैं, जोते हैं उससे छोटी हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। जनसंख्या निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है 1.55 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की थी। किसने की थी, ये की थी राज समिति ने। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है। तो भारत में जोतों का औसत आकार घटने का कारण है, जो ऑप्शन सी है आपका, उत्तराधिकार का नियम और भू स्वामित्व की ललक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है। तो भारत की कृषि भूमि का कुल 1/3 संचित है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो भारत में लगभग 45% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है। कुल कितना प्रतिशत वर्षा पर निर्भर रहता है, 55%।
भारत का कुल कृषित क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई उपलब्ध है? 36%। भारत की कुल संचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा संचित है? तो भारत की कुल संचित भूमि का 36% हिस्सा नहरों द्वारा संचित है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है, तो भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है कुआं व नलकूप। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंचाई के स्रोतों का वृहत, मध्यम और लघु तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है। क्या आधार है? वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई करती हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, लघु सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है। लघु सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है 2,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का विस्तार। 23वां क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? ये किया जाता है लघु सिंचाई परियोजना। 24वां क्वेश्चन, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? कितना विस्तार किया जा सकता है? 114 मिली हेक्टेयर। 25वां क्वेश्चन देखिए, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य है भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है उद्योग। क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ये हुई थी इंग्लैंड में। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा ये की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 24 जुलाई 1991 को। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? किस नीति में अधिक जोर दिया गया था 1977 की औद्योगिक नीति में? 5वां क्वेश्चन, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की जो संख्या है वो है कुल 3। अगला क्वेश्चन देखिए, उदारीकरण तथा अन्य नियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य हैं? 5। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? इनमें से सभी उद्योगों को अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया। पहला है मोटर कार उद्योग, दूसरा है एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, तीसरा है कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग। 8वां क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? 16। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है, तो सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? निम्नलिखित में सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? ऑप्शन जो आपका डी है ये सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये MPPCS 2012 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है TISCO। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौरा कब से प्रारंभ हुआ? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौरा ये प्रारंभ हुआ
1991 से 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? लघु वाहन उद्योग। 14वां क्वेश्चन देखिए, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? किस उद्योग के लिए निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सिगरेट निर्माण उद्योग। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो भारत में लघु उद्योग की परिभाषा ये आधारित है, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है 1/3। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई? SIDO की स्थापना ये कब की गई थी? ये की गई थी 1954 में, इस 1954 ईस्वी। 18वां क्वेश्चन देखिए, UPPCS 1991 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट भी। लघु उद्योग विकास संगठन SIDO द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? अखिल गणना कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? इनमें से ये सभी, पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। ऑप्शन जो आपका डी है ये सही हो जाएगा। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, लघु एवं कुटीर जो उद्योग है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त शिखर संगठन है, तो भारत में औद्योगिक वित्त शिखर संगठन है, कौन सा है? IDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? दीर्घकालीन उपलब्ध कराती है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? IFCI की। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना की गई जनवरी 1992 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना की कब की गई? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना की गई 1948 ईस्वी में। तो इस वीडियो में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कुल टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए आपके सामने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको जरूर दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।